अस्सलाम वालेकुम, पुराम पहाड़ों के सफर के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी और आज भी हम मौजूद हैं बलोच जो कि ज़मीन है शहीदों और गाजियों की। आज हम फोकस करेंगे उन गाजियों को जिनको तगमा जुरत से नवाजा गया है और जिनका जंग आज़ादी और 1947 की जो वार हुई मसलन आज़ादी की जंग में उनका बहुत ही अहम रोल रहा है। इसके अलावा विज़िट करवाएंगे आपको टूरिज़म की प्लेस का और बताएंगे कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ टूरिज़म के लिए। तत्ता पानी भी आपको हम लेके जाएंगे, खूबसूरत वादियों में आप हमारे साथ रहें, एक्सप्लोर कर रहे हैं हम तहसील बलोच रियासत हाय आज़ाद जम्मू और कश्मीर को। कर्नल मंशा खान 1965 की जंग के हीरो हैं। उन्होंने इस जंग में ऑपरेशन जिब्राल्टर में मंशा फोर्स की कमांड की और दुश्मन को अकब से कमजोर करने की कार्रवाई की। उस वक्त दुश्मन ने कर्नल मंशा खान के सर की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी। हुकूमत पाकिस्तान ने कर्नल मंशा को सितारा जोरत से नवाजा। वो आज़ाद कश्मीर असम्बली के स्पीकर भी रहे हैं। इस वक्त हम केला में ही हैं। तहसील बलोच का ये भी हिस्सा है और एक और सितारे जुरत हासिल करने वाले और हमारे कौमी हीरो 1965 के जंग के हीरो कर्नल मोहम्मद मंशा खान मरहूम के मज़ार के ऊपर हैं। सितारे जुरत इनको इससे नवाजा गया है, उनके बारे में ज़रा जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से बहादुरी के कारनामे उन्होंने 1965 की जंग में अंजाम दिए हैं। जी सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। हाँ जी, मोहम्मद रहीम खान। अच्छा रहीम खान साहब, बताइएगा कर्नल मोहम्मद मंशा साहब का, उनका आबाई ये गांव है जिसमें हम खड़े हैं इस वक्त। जी ये गांव जो है ये कर्नल मोहम्मद मंशा खान का आबाई गांव है। कर्नल मोहम्मद मंशा खान का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के मशहूर कबीला सुद्दन से ताल्लुक रखते थे और कर्नल साहब ने 1942 में राजा हरी सिंह की फ़ौज में कमीशन हासिल किया और उसके बाद जब आज़ाद कश्मीर आज़ाद हुआ तो वो आज़ाद तो फौज में जो है वो शामिल हो गए और यहाँ पर उन्होंने 1965 में मेजर की हैसियत से आज़ाद कश्मीर में जब गोरिल्ला जंग शुरू हुई, यानी पाकिस्तान के फोर्स में शामिल हुए। तो आपके कहने का मसल ये 1947 के बाद जब आज़ाद हुई तो उन्होंने पाकिस्तान फोर्स ज्वाइन कर ली, पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर ली। और 1965 में जब कश्मीर में गोरिल्ला जंग शुरू हुई तो कर्नल मोहम्मद मंशा खान कश्मीर में गोरिल्ला जंग में शामिल हो गए और बहादुरी से लड़े और इंडिया ने उनकी सर की कीमत 10 लाख मंजूर अपने मुकर्रर की। तो कर्नल साहब वहीं 2-3 महीने तक, जब ये 1965 की बात है, 1965 की, जी जी अच्छा, वहीं लड़ते रहे। तो वहाँ से जब जंग खत्म, कौन से इलाके में शामिल हुए थे इंडिया के, कौन से मकबूजा कश्मीर में, कौन रजौरी सेक्टर, रजौरी सेक्टर में, रजौरी में। अच्छा, और कौन सी यूनिट में थे उस वक्त? 23 एके में थे। अच्छा, और सेक्टर कौन से में लड़े हैं वो? ये 1965 में जिब्राल्टर एक ऑपरेशन था। अच्छा। उसके तहत ये कश्मीर के अंदर गए, कश्मीर, हाँ, यानी मकबूजा कश्मीर, मकबूज कश्मीर के अंदर गए और वहाँ इन्होंने जिब्राल्टर ऑपरेशन, नाज़रीन बहुत मशहूर ऑपरेशन था जो खुफिया ऑपरेशन था और हमारे बेशुमार ऑफिसरों ने वहाँ उस ऑपरेशन में हिस्सा लिया है और वो ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा था। और वहाँ पर लड़ने वाले, यहाँ से ही रहने वाले जिनका तलक कर्नल मोहम्मद मंशा मरहूम सितारे जुरत भी, उनका तलक भी इसी गांव से था। अच्छा, कुछ और उनके बारे में हिस्ट्री बताएं, कुछ और उनका कारनामा। कर्नल मंशा साहब 3 महीने जो है वो कश्मीर के अंदर रहे, गोरिल्ला जंग लड़ते रहे, उसके बाद वो वापस चाइना में चले गए, चाइना से वापस पाकिस्तान आ गए। उसके बाद वो कानून साज असेंबली के वो स्पीकर भी मंतखब हुए। अच्छा, ये हमें बताइएगा कि जब उनके ऊपर इनाम रखा 10 लाख का, कह रहे हैं 10 लाख का उस वक्त की इंडियन गवर्नमेंट ने, लेकिन वो उनको पकड़ाई फिर भी नहीं दी, नहीं, नहीं, और ऑपरेशन कामयाब करके वापस आए। और ये नाजरीन वो हमारे हीरो हैं जिनको आज हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान और पहाड़ों के सफर के थ्रू और एक्सप्लोर कर रहे हैं इनकी बहादुरी और इनकी शिजात को। आप हमारे साथ रहें, अभी एक और हमारे हीरो हैं उनके मज़ार पर भी हम आपको लेके जाएंगे जिसके ऊपर तारीखी ड्रामा भी सीरियल प्रोड्यूस्ड हुआ है। तो इन शहदा को हमारा सलाम, शहदा को और इन हीरोज़ को भी हमारा सलाम। आप हमारे साथ रहें बलोच में
और इस पूरे खूबसूरत जो वादियाँ हैं इनको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। पैंसठ की जंग के दौरान मिसिंग बिलीव्ड किल्ड होकर भारत में 40 साल तक कैद रहने वाले सिपाही मकबूल हुसैन जब दुश्मन का जुल्म और सतम सहने के बावजूद कुछ ना बोले तो उनकी जबान काट दी गई। मगर जब वो 2004 में रिहा होकर वाघा बॉर्डर पहुंचे तो उन्होंने अपना आर्मी नंबर लेकर साबित कर दिया कि सिपाही मकबूल हुसैन ड्यूटी पर हाजिर हो गया है। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें 17 जुरस से नवाजा। सिपाही मकबूल हुसैन का तलक आजाद कश्मीर के इलाका सदनौती के जंगजू सदोजई पठान खानदान से था। सिपाही मकबूल हुसैन का इंतकाल 28 अगस्त 2018 को हुआ और उन्हें फौजी एजाज के साथ इनके आबाई इलाके में सुपुर्दे खाक किया गया। इस वक्त हम सिपाही मकबूल हुसैन मरहूम सितारे जुरत के मज़ार के ऊपर मौजूद हैं और उनके फैमिली के जो बड़े कज़न हैं वो भी यहाँ पर हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। और हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आज एक्सप्लोर करने आए हुए हैं शहीदों और गाजियों की ज़मीन बलोच, इसको और थ्रू आउट जैसे कि हम आपको दिखाते आ रहे हैं। और इनका भी एक बहुत बड़ा रोल है। जब हम बात करते हैं आज़ादी की तो एक मशहूर ऑपरेशन गुजरा है, उसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे, उसका हिस्सा रहे हैं। और पाकिस्तान की खातर इन्होंने जुल्म अपने ऊपर बर्दाश्त किया, लेकिन पाकिस्तान पर भारत की जेलों में भी आँच नहीं आने दी। और ये वो हीरो हैं हमारे जिनको आज खराज तस्सीम पेश करने यहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ ही उनके कज़न उससे बात करते हैं। जी नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम है जी मोहम्मद करीम खान। अच्छा करीम खान साहब, ज़रा हमें सिपाही मकबूल हुसैन के सफ़र के बारे में बताइए। मरहूम, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, कि कैसे उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया, क्या फैमिली को पता था कि इतने बड़े ऑपरेशन के ऊपर जा रहे हैं, कौन सी उनकी यूनिट थी? ये उनकी यूनिट का तो बिल्कुल हमें पता था। मैं तकरीबन 5th क्लास में पढ़ता था कि जब वो फौज में भर्ती हो गए। कौन से सन की बात है ये? 1963 की बात। 1963 में तो 1965 में वो फौज में सिग्नल कोर में थे, आज़ाद कश्मीर सिग्नल कोर में। ठीक। तो हमें मैं जो एग्जैक्टली जो चीज़ें सामने हुई हैं उनके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो सर्दियों का मौसम था, यहाँ हमारी बर्फबारी भी हुई थी, तो वो खिलाफ तवक्को वो छुट्टी पर आ गए। तो मेरे वालिद साहब जो उनके कज़न थे बड़े, उन्होंने उनसे पूछा कि भाई इस मौसम में आप छुट्टी में कैसे आ गए? तो वो गोल कर गए, 10 दिन छुट्टी उन्होंने गुजारी, तो एक दिन वो उन्होंने वापस जाना था। मेरे वालिद साहब से वो मिले और कुछ उन्होंने आपस में कुछ खुफिया सी बातें भी की। तो उसके बाद वो आए, मुझे अभी तक याद है कि सामने इनका घर होता था, यहाँ से मैंने उनको रुख्सत किया, क्योंकि मैं उस वक्त 7th में था, मैं उनके साथ आगे नहीं जा सकता था और पैदल रास्ता था तकरीबन लंदरी तक वो पैदल गए। फिर मार्च अप्रैल में वहाँ जब रेडियो पे खबरें आने लगी कि मकबूजा कश्मीर में मुजाहिदीन ने वो पुल तोड़ दिए, यह हमला हुआ फलां जगह राजौरी में, तो मेरे ख्याल में जो कुछ मैं खबरें सुनना चाहूँगा, हमारे पास रेडियो था कि राजौरी में तो पाकिस्तान का झंडा भी लहराया गया था। उस वक्त मेरे वालिद साहब ने और इनके बड़े भाई मक्खन खान ने, उन्होंने इंकशाफ किया कि मकबूल भी इस ऑपरेशन में शामिल है। फिर अगस्त में हमें पता चला कि मकबूल साहब वो गायब हो गए हैं, और फिर तकरीबन सितंबर अक्टूबर तक फौज वालों ने इनके बड़े भाई को बुलाया, उनका जो एहसास था जो मिलिट्री का होता है, क्योंकि मैंने खुद उनकी शीट रोल आखिर में देखी जब हम सेंटर में गए, तो उस पर आखिरी एंट्री बनी हुई थी 26 अगस्त 1965 मिसिंग इन एक्शन बिलीव्ड किल्ड। ये फौज का एक जनरल टर्म है, मेजर साहब भी जानते हैं कि वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मकबूल साहब का कोई पता नहीं, हम उस वक्त क्योंकि 65 में कैदी के बाद 67 में कैदियों की तबादला भी होने लगा, हम रेडियो सुनते रहे लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। अच्छा कितने साल वो मिसिंग रहे हैं और कब वापस आए और उनके ऊपर कितना तशद्दुद किया गया, जरा उसके बताइए। पूरे 40 साल वो मिसिंग रहे हैं। जब वापस आए हैं तो उनकी जो है ना जबान ठीक नहीं थी, उस पर वो प्लायर से वो काटी हुई थी, उनके बदन पे उनके सर पे जख्मों के निशान थे, जिससे पता चलता कि बेपनाह तशद्दुद किया, मतलब इतने वाज़े किस्म के निशान थे, और वो अपने मतलब नीम सेंसेस में थे, मुकम्मल सेंसेस में भी नहीं थे, कुछ किसी बात का जवाब देते थे, बल्कि आप हैरान होंगे कि इब्तदाई तौर पे ऐसे ऐसे आसार थे कि उन्होंने क्या तकलीफ, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो चारपाई या कुर्सी पर बैठना भूल गए थे। जब हम इब्तदाई तौर पर चारपाई बैठाते थे, वो नीचे ऐसे उकड़ों बैठ जाते थे, और खाने के अंदाज भूल चुके थे, जिससे पता चलता था चावल दें तो ऐसे वो
जिसको हमें जिसे अपनी जुबान में फक्का मारना कहते हैं, इस तरह खाते थे। रोटी रोटी उनको नहीं मिली जिससे लगता था, सिर्फ चने शायद किसी जेल में उनको देते रहे, क्योंकि उन्होंने ये तस्लीम नहीं किया था कि मैं रेगुलर फोर्स का बंदा हूँ। जिन लोगों ने तस्लीम किया था वो POW डिक्लेयर करके उन्होंने 2 साल बाद छोड़ दिए थे, लेकिन उन्होंने तस्लीम नहीं किया था। और इस वजह से मतलब ये टुक दी स्टैंड, जिसको एक कहते हैं ना कि यही यही उनके है कि 40 साल पूरे ये बल्कि और कितना। जब वापस आए हैं तो कितना अरसा वो हयात रहे और कब उन्होंने वफात? हयात तो माशाल्लाह तकरीबन 8 या 9 साल हयात रहे, क्योंकि यहाँ जब 2005 में मई में वापस आए तो किसी को पता नहीं चला, 5 महीने उनको घर हो गए थे। तो जब मैंने देखा तो मैंने कहा आपने ये यहाँ क्यों रखे हुए हैं? मैंने कहा हम क्या करें? मैंने कहा ही इज़ ऑन ड्यूटी। मैंने ऐसे मेरे भाई थे, मैंने कहा ये तो ड्यूटी पे है। फिर मैं इनके सूबेदार मेजर के साथ मिलकर, इनका भांजा भी था ये 2 आदमी, मैंने सेंटर में ले गया ब्रिगेडियर जफर वाला, वो सेंटर कमांडर थे। अच्छा। मैंने जो मैंने आपको कहानी सुनाई उनको सुनाई। अच्छा। फिर उन्होंने चीट रोल मंगवाई, उन्होंने देखा। हाँ। जब उन्होंने देखा तो जो मिलिट्री माशाल्लाह, उन्होंने कहा जी कि ये तो हमारा बंदा है, तो आप अगर रहना चाहते हैं तो हम भेजते। मैंने उनको कहने लगा कि आप क्या चाहते हैं? हमने कहा जी हम चाहते हैं ये हैं कि इनका एक तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो इलाज होना चाहिए जिस्मानी तौर पे। फिर इलाज उसका होता रहा CMH में, सेंटर में। जब हमें उससे पहले एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे उनके ऑफिस में उन्होंने भेजा, तो उन्होंने इनका नाम पूछा, इन्होंने नाम बताया मकबूल। अच्छा। तो उनसे पूछते हैं कि आप क्या क्या करने आए हैं? उनको मैं ड्यूटी पे आया हूँ, ये उनको याद था। माशा जी। मेजर साहब ज़रा आप बताइएगा ज़रा आपकी, क्योंकि इसके ऊपर रिसर्च भी अच्छी, आपके वालिद साहब और ये आई थिंक गठे गठे इस ऑपरेशन में गए, तो ज़रा तफसील हमें बताइएगा मुश्ताक साहब जी। स्पाई मकबूल हुसैन मेरे वालिद साहब के साथी थे और उनके साथ उन्होंने ये ट्रेनिंग की थी। तो 1965 की पाक भारत जंग में ऑपरेशन जिब्राल्टर में कर्नल मंशा फोर्स में थे, मेरे वालिद साहब भी इसी फोर्स में थे। कर्नल मंशा फोर्स में इन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर में हिस्सा लिया और ये मिसिंग बिलीव किल्ड हो गए। हमारा दुश्मन इतना बेजरफ है कि स्पाई मकबूल हुसैन 40 साल उनकी जेलों में रहे और 40 साल उन्होंने जो कैदियों की लिस्ट तबादला होता है उसमें उनका नाम शामिल नहीं किया। हमने ये सुना कि स्पाई मकबूल हुसैन जिस जेल में रखे गए वो उस जेल में जितने कैदी थे उन सब से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगवाते थे। अच्छा। तो उन्होंने उनकी ज़बान काट दी के जी ये नारे मारता है पाकिस्तान के। अच्छा। फिर उन्होंने जो जबान से खून निकलता था उस खून से जेल की दीवारों पे लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद। ओह हो क्या बात। तो उन्होंने नाखन उनके नोच लिए कि ये लिख भी ना सके। 40 साल बाद जब वो वाघा बॉर्डर पे वापस आए, जिस बस से वो उतरे आगे, तो पाकिस्तानियों को पता ही नहीं था कि ये बंदा कौन है, उस लिस्ट में नाम ही नहीं था उनका। तो उन्होंने अपने हाथों से कागज मंगवाया, उन्होंने कहा जी लिखने के लिए कुछ दो मुझे, तो कागज मंगाया और अपने हाथों से उन्होंने लिखा कि नंबर इतना सिपाही मकबूल हुसैन ड्यूटी पर हाजिर हो गया। यानी इतना तशद्दुद बर्दाश्त करने के बावजूद ज़हनी तौर के ऊपर जब वो वाघा बॉर्डर पार 40 साल जुल्म तशद्दुद बर्दाश्त करने के बाद जब रिलीज होकर वाघा बॉर्डर पर आए तो फिर भी उन्होंने अपना पेंटिंग नंबर और नाम लिख के बताया, क्योंकि बकौल इनके कि वो बोल नहीं सकते थे, उनके ऊपर इतना टॉर्चर हुआ। अच्छा, कर्नल मंशा के ऊपर भी उन्होंने नाम रखा था, मरूम सितारे जोरत के ऊपर जिनका भी हम मज़ार कवर करते हुए आए, तो उन्होंने एक मंशा फोर्स बनाई थी बेसिकली। ऑपरेशन जिब्राल्टर था ना, जिब्राल्टर था जिसमें मुख्तलिफ फोर्सेस थी, जिसमें एक कर्नल मंशा की फोर्स थी जिसका नाम था मंशा फोर्स, जिसका जो एरिया था वो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो राजौरी से लेके तो बारामूला तक ये सारा कर्नल मंशा के पास था। अच्छा। तो कर्नल मंशा इस बहादुरी से लड़े के वहाँ हिंदुस्तान की फौजें वहाँ से भाग गई सारी छोड़ के, और अनकरीब कश्मीर सारा खोखला हो चुका था। अच्छा। कि सीज फायर हो गया। कर्नल मंशा के लिए हिंदुस्तान ने उनके जिंदा या मुर्दा उनके सर की कीमत 10 लाख रुपए में कर रखी थी। कर्नल मंशा वापस अपनी बॉर्डर से वापस नहीं आए थे, यहाँ से लड़ते लड़ते चाइना की बॉर्डर से चाइना से एंटर होके थे वापस पाकिस्तान। तो जी नाजरीन, ये तफसील थी जैसे कि हम आपको लेके आए इन शहीदों और गाजियों की सरजमीन पर। ये दो गाजी थे जिनकी हमने स्टोरी आपको बताई, कर्नल मंशा मरहूम और उसके बाद सिपाही मकबूल हुसैन के। कर्नल मंशा के ऊपर तो जैसे बकौल मेजर साहब के भी और हिस्ट्री में भी मौजूद है कि उस वक्त की हुकूमत ने जो भारत में हुकूमत थी उन्होंने उनकी सर की मनी भी रखी थी, इनाम भी रखा था उस वक्त का 10 लाख, लेकिन वो ऑपरेशन कामयाब हुआ। और मकबूल हुसैन के अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे कि जितनी हिम्मत के साथ जेलों में जब उनका जबर बर्दाश्त किया और जब वापस आए तो वहाँ पर भी जेल के अंदर भी जैसे इन्होंने कहा
कि जब उनकी ज़बान काट दी गई तो अपने खून से वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो हैं वो लिखते रहें। और यही जज्बा है हुर्रियत पसंदी का कि अभी तक लाखों लोग शहीद हो चुके हैं लेकिन इनकी जो स्ट्रगल है फ्रीडम की वो जारी है। और हम भी उम्मीद करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी स्वार्थी लिहाज से हर प्लेटफॉर्म के ऊपर उनकी आवाज़ को बुलंद कर रही है और इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। और अल्लाह करे कि जल्दी ये जो कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और मकबूज़ा कश्मीर है, ये दोनों पार्ट जो हैं ये इकट्ठे हों और ये जो जन्नत नज़ीर, ये जो सुलगती जन्नत है, ये सही मानों में जन्नत नज़ीर साबित हो। आप हमारे साथ रहें। आज हम हैं बलोच आज़ाद जम्मू कश्मीर में की रियासत में और एक्सप्लोर कर रहे हैं इन खूबसूरत वादियों को। इस वक्त हम चार बिहाड़ में हैं, पिकनिक स्पॉट है और माशाल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। और सतह समुद्र से इसकी जो बुलंदी है तकरीबन 7,500 फीट की बुलंदी के ऊपर हम मौजूद हैं। तकरीबन हवा चारों तरफ से इस वक्त चल रही है और बड़ा ही खूबसूरत इस वक्त समा है यहाँ चार बिहाड़ का। चार बिहाड़ किस वजह से मशहूर है ये जानेंगे हमारे साथ जी। नाम बताइएगा अपना जी। सरदार मोहम्मद फयाज अजमन ताजमहल सदर चार। अच्छा फयाज साहब हमें बताइएगा चार बिहाड़ जी जी की पहचान क्या है, किस वजह से इसे चार बिहाड़ कहा जाता है? दो पहाड़ियों के दरमियान ये जगह चार बिहाड़, ये चार दरख्त हैं बराबर जिस इस तरह के चार दरख्त हैं आपने पहले भी देखा है नीचे, आप दोबारा चार दरख्त हैं ये, इस वजह से ये चार बिहाड़ मशहूर है। अच्छा इस वजह से चार बिहाड़ मशहूर है, ये दरख्त जो नीचे हैं। जी 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 जी। अच्छा अच्छा, यहाँ टूरिस्ट आते हैं? जी टूरिस्ट आते हैं, ये हमारा रावलपिंडी से अगर आए तो तकरीबन ये 140-145 किलोमीटर का सफ़र है। अच्छा लेकिन पहाड़ी सफ़र है, तकरीबन आपको 5-6 घंटे लगेंगे। जी जी हाँ जी हाँ, इंतहाई दुश्वार गुजार लेकिन एंजॉय कर सकते हैं लोग। जी जी। अच्छा किन किन रास्तों से होकर यहाँ पहुँचा जा सकता है? ये अगर आज़ाद पसंद से बरस्ता बलंदरी त्रालखाल और बैठक रास्ता है, और लालपुर से अगर आएँ तो सहसा सिरसावा बलोच है, तो बैठक से ये रास्ता जो है 11 किलोमीटर का है। अच्छा। तो ये चार बिहाड़ हम इस वजह से ज़्यादा कि जो यहाँ पर सैर तफरी के लिए कुदरती हमारी जगह है। आज़ाद कश्मीर का खूबसूरत इलाका बलोच यहाँ आने वाले सियाहों में अपने देसी खानों की वजह से मशहूर है, जिसमें यहाँ की खास सौगात सिरे भी शामिल है। यहाँ आने वाले सियाह सिरे शौक से खाते हैं और बतौर सौगात अपने साथ भी ले जाते हैं। जी बलोच बाज़ार में हैं, जैसे जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हम जाते हैं चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, और आज हम आज़ाद कश्मीर में आए हुए हैं, हम आपको बताते हैं कि वहाँ के ट्रेडिशनल फूड सकाफत क्या है। ये भी तकरीबन फूड आइटम में ही आ रहा है, इसको बोला जाता है सरे, और ये देसी सरे हैं यानी यहाँ पर ही तैयार किए जाते हैं, और इसमें गंदम भी यूज़ होती है, देसी जो गंदम यहाँ की लोगों की है, और भी बेशुमार अशिया इसमें यूज़ होती हैं, उसके बाद ये तैयार किया जाता है कि इस प्रोसेस के बाद इसकी ये शक्ल इख्तियार हुई हुई है। अच्छे खासे यहाँ पर जो लोग थे हमारे साथ वो तो इसको खा रहे हैं, थोड़ा सा तो आपको ये तोड़ने में सख्त लगेगा। इसके मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ नाम हैं, यानी ये कश्मीर में भी देखा गया है, KPB में कहीं मुझे नज़र आया, लेकिन मुख्तलिफ नामों से इसको पुकारा जाता है, और माशाल्लाह खुशबू तो बहुत ही अच्छी है।
टच जैसे मीठी रोटी जिसको आप कह सकते हैं उसका हमें दे रहा है, सौंफ का जायका ऑलरेडी हमें आ रहा है। यहाँ पूछेंगे हम इस शहर के बारे में। जी सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। सरदार मोहम्मद इरशाद खान। अच्छा इरशाद खान साहब, हमें बताइएगा इस शहर के बारे में, ये कब से है यहाँ, कैसे ये तैयार होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं? ये असल में जब आज से 40 साल पहले, क्योंकि 40-50 साल पहले यही हमारे पास जो हमारी सौगात है यही हुआ करती थी। शादी ब्याह खुशी के मौके पे जब, जैसे आजकल मिठाई है और वो चीज़ें हैं, ये इसी तरह उस वक्त का है कि सबसे पहले ये लोग लेके जाया करते थे खुशी के मौके पे, किसी के घर जाना, किसी का बेटा पैदा हुआ या जो भी खुशी है उसमें होता है। ये गंदम से, गंदम के आटे से तैयार होता है और इसमें मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़ा सा अपग्रेड होता गया जी जी। तो गंदम के आटे में, और पहले ये देसी घी में पकाया करते थे लोग। अच्छा, आजकल ये है कि थोड़ा सा आयल में पकाते हैं और इसमें गंदम का आटा, शुगर हो गई, जिसमें ये सौंफ, मुख्तलिफ चीज़ें इसमें डालते हैं, बादाम डालते हैं और दूध भी डाला जाता है। दूध पहले डाला करते थे, आजकल दूध में, क्योंकि उस तरह का नहीं करते। और तो, तवे के ऊपर बनाई जाती है? नहीं, तवे में नहीं, ये घी में पकता है। अच्छा। और बिल्कुल रोस्ट जिस तरह होता है उस तरह तला जाता है। अच्छा, तला जाता है, मतलब पतीले में डाल के, डाल के उसके बाद इसकी ये शक्ल तैयार होती है जैसे आपको नजर आ रही है। और मेरे ख्याल में आज तो इन साहब का तो कबाड़ा हो गया, क्योंकि फ्री में लोग उठा के खाई जा रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रही कि इसकी प्राइस क्या। आप भी जाएं जी, जब भी आपका बलोच यहाँ पर आना हो, ये बलोच बाज़ार में बड़ी कदीमी शॉप है और सरे इन्होंने कहा जी कि ये सौगात है। जैसे शहरों में लोग केक लेके और अच्छी स्वीट लेके अपने रिश्तेदारों या मुख्तलिफ पार्टीज़ में जाते हैं, यहाँ आज भी सरे यूज़ किया जाता है। मसलन कोई गेस्ट अगर घर में आ गए, क्योंकि ट्रेडिशनली फूड है इनका, ये स्वीट्स में ही आ रहा है, तो ये पेश करते हैं और अपने साथ भी लेके जाते हैं। आप भी जब भी आना हो इसको टेस्ट कीजिएगा, माशाल्लाह इसका जायका काफ़ी अच्छा है। आप हमारे साथ रहें, आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं बलोच और इसके गिर्द नवा जो खूबसूरत वादियाँ हैं इनको। कहकशां को चुन लो अपनी राह गुजर, आओ मिलके करे पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करे पहाड़ों का सफर। टीम डिस्कवर पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत शहर बलोच से तकरीबन 40 मिनट की मुसाफत पर खूबसूरत पहाड़ी चोटी डब्बा बसाड़ी के गिर्द बल खाती हुई सड़क से गुजरते हुए एक ऐसा ऑफ रोड ट्रैक भी एक्सप्लोर किया जो चार बिहाड़ कहलाता है, जो सतह समुद्र से 8000 फुट की बुलंदी पर वाकई एक खूबसूरत सियाती मुकाम है। इस वक्त हम कोट बैटिक तहसील बलोच में हैं, खूबसूरत मकाम है और सेहत अफजा मकाम में लग रहा है। जैसे कि हम आपको बताते आ रहे हैं जब से हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि माशाल्लाह जंगल जो है ये खूबसूरत नज़र आ रहा है और इसी ग्रीनरी की वजह से इसका जो निखार है वो बहुत ज़्यादा है इन वादियों का, और खूबसूरत वादियाँ। आप भी आएँ, आप इन्जॉय करेंगे इनको देख के। यहाँ पर तहसील बलोच में जो रियासत हाय आज़ाद जम्मू कश्मीर की ये तहसील है, हमारे साथ यहाँ पर एक सरदार साहब मौजूद हैं, उसे हम पूछेंगे इस इलाके जहाँ पर हम मौजूद हैं कोट बैटिक के, इसके गिर्द नवा में कौन से गांव हैं, कौन सी यहाँ पर मशहूर शख्सियात गुजरी, उनके बारे में। जी अपना नाम बताइएगा। सरदार मोहम्मद नकीब खान। अच्छा नकीब खान साहब, हमें बताइएगा कोट जो बैठक है ये बलोच की, इसके बारे में, इसके अदू दरबा थोड़ा बताइएगा हमें। ये 1932 से जो है, 1932 से यहाँ कोट जो है एक कचहरी जॉब लगती थी उस वक्त के अखबार। अच्छा, से जो है ठीक है, उसकी बुनियाद पे जो है वो इसका, जैसे इसका नाम देखते हैं कबायल में खुजरा सिस्टम होता था या हजारा डिवीजन में डेडी सिस्टम, और यहाँ पर बैठक बेसिकली ये कहना चाहें कि मिलजुल के बैठने का एक जगह बनी हुई थी जहाँ दूर दराज पहाड़ी इलाकों से लोग आते थे और उनके जो छोटे छोटे इश्यूज मुख्तलिफ होते होंगे वो सॉल्व होते होंगे। ऐसा ही है ना? जी ऐसा ही है। हाँ जी ऐसा ही है। और जो आपके बड़े सरदार होंगे वो हल करते हैं। यहाँ सरदार बहादुर अली खान जो है वो जो है वो रहते थे। सरदार बहादुर अली खान जो है ब्रिटिश आर्मी जो में जो मेजर के रैंक तक जो है वो रहे। अच्छा। वहाँ से फारग होने के बाद वो हरी सिंह के दौर में जो अब एडवाइज़र जो है वो उन्हें
वहाँ इख्तलाफात होने की बुनियाद पे जो है वो उन्होंने जो है वो वहाँ से जो है इस्तीफ़ा दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद जो है वो उन्होंने कश्मीर के हवाले से जो है वो काम करना जो है वो शुरू किया। उस पर यह है कि महाराज वो चूँकि बहुत जरी थे, अच्छा। जरी थे जिसकी बुनियाद पे शेरों का शिकार करते थे, अच्छा। तो महाराजा ने उनको जो है वो मरवाने के लिए अच्छा। ये किया, एक साजिश की मेजर साहब को, अच्छा। और उस साजिश के नतीजे में उन्होंने जो बख्शी स्टेडियम है कश्मीर में, वहाँ एक शेर जो है जो खून ख्वार शेर थे उसके साथ जो है वो ये तय किया उनके साथ कि आप जो है हम शेर जो है वो भूखा 7 दिन तक भूखा शेर को जो रखा, और उसके बाद यह है कि उनको जो है वो कहा कि शेर जो है वो छोड़ेंगे हम, आप इसका जो है वो शिकार जो है वो करें। तो उन्होंने ढाल रखी और तलवार से उसके 2 टुकड़े जो है वो कर दिए। इस तरह मेजर मेजर बादर अली खान साहब, तो मेजर बादर अली खान साहब के बेटे थे सरदार अकू खान मरहू, और सरदार अकू खान साहब के बेटे सरदार अख्तर रब्बानी। सरदार अख्तर रब्बानी साहब जो मोहतरमा के एडवाइजर भी जी बेनजीर भुट्टो साहब, जबर किस्म के सियासतदान गुजरे हैं। जी 1991 में उन्होंने, वैसे तो उन्होंने बीडी मेंबर से जो स्टार्ट किया था, हमारा जो खानदान है नारवाल खानदान है, और इस हलके की और आगे उनके बेटे अभी आप यहाँ के एमएलए भी हैं, मिनिस्टर भी हैं, वजीर कानून है, टूरिज्म के भी जो वजीर हैं। आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं तहसील बलोच और इसके गिर्द नवा जो खूबसूरत इलाके हैं उनको। आज़ाद कश्मीर के दिलकश और कुदरती हुसन से माला माल बलोच शहर से 25 किलोमीटर दूर यहाँ के इलाके पूंछ, कोटली और सदनौती के मुकाम पर एक गर्म पानी का चश्मा मौजूद है जिसका पानी दरिया पूंछ में गिरता है। इस पानी का दर्जा हरारत 62 डिग्री सेंटीग्रेड है जो सर्दियों और गर्मियों में एक जैसा रहता है। कहा जाता है कि इस चश्मे का पानी कई बीमारियों के लिए शफा बख्श है। जी इस वक्त हम तत्ता पानी पहुंच चुके हैं, फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान टीवी चैनल प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र के सिलसिले में। जो सफ़र है पहाड़ों का इस वक्त आज़ाद हाय जम्मू कश्मीर का, तो आपके लिए हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसके फ़ायदे भी बताएंगे, तत्ता पानी की हिस्ट्री के ऊपर भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले हम करते हैं क्योंकि ठंड अच्छी खासी हो चुकी है और इसमें से धुआं निकलता हुआ आपको नज़र आएगा। हम कोशिश करेंगे कुछ जो एग हैं यानी जो अंडे हैं उनको ना हाफ बॉयल करें, और आई थिंक इस पानी से हो जाएगा। हमें बताया गया है कि अंडा इसमें पक जाता है, तो हम ट्राई करते हैं सबसे पहले वो और फिर इसकी हिस्ट्री के ऊपर भी बात करते हैं। अंडे लाइएगा जी। तो ये हम इसमें एग रख रहे हैं जी, और ओए होए होए क्या बात है, एक तो इसकी खुशबू पानी की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है और दूजा अच्छा खासा गर्म पानी है, अच्छा खासा गर्म पानी है। हाँ, और अपने मेंबर्स के लिए ख़ास करके, क्योंकि हम दुश्वार और पहाड़ों का सफ़र करते हुए आ रहे हैं और पहाड़ी सफ़र सबसे मुश्किल भी होता है, क्योंकि हमने जो जो इलाके एक्सप्लोर किए हैं वहाँ से जिग जैग और टूटे हुए रोडों से यहाँ होते हुए आ रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे किसी प्रोग्राम में कि टूरिज़्म यहाँ पर प्रमोट हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बेहतर हो जाए तो ये इलाके बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, जैसे आपको मैं बताता आ रहा हूँ, दिखाता आ रहा हूँ। तो ये हमने एग रख दी इसमें, और अच्छा खासा गर्म पानी है जी, अच्छा खासा गर्म पानी है। तो हम यहाँ बात का भी सिलसिला अपना जारी रखेंगे, और हम आपको बता रहे हैं ये देख लें, मसलन इसके चारों अतराफ में आपको धुआं ही धुआं नज़र आ रहा है, और ये बेसिकली पानी क्या, और पानी का सोर्स जो है वो अच्छा खासा ऊपर पहाड़ की तरफ से आ रहा है, साथ से यहाँ से ओपन हो रहा है और फिर ये फैला ही जा रहा है, और टूरिस्ट भी बेशुमार आते हैं, बेशुमार टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और पूंछ के ऊपर भी बात करेंगे, दरिया पूंछ जो आपको नज़र आ रहा है, ओवरऑल ये जो मकबूज़ा कश्मीर का पूंछ हेडक्वार्टर है वहाँ से चारों इतराफ से ये दरिया पूंछ बहता हुआ यहाँ तक आ रहा है, रियासत आए जम्मू कश्मीर तक।
जी नाज़रीन, इस वक्त हम तत्ता पानी में ही हैं और इसकी हिस्ट्री के ऊपर रोशनी डालेंगे और ख़ास करके इसके फ़वाद क्या हैं उनके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज़म डेवलपमेंट अथॉरिटी आज़ाद है जम्मू और कश्मीर, उनसे हम बातचीत करेंगे। जी सबसे पहले अपना नाम बताइएगा सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम तारिक महमूद है, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज़म डिस्ट्रिक्ट पूंछ में हूँ। इसकी हिस्ट्री ऐसे है, ये बेसिकली सल्फर है। अच्छा, ये सल्फर है, ये इसका टेम्परेचर 62 है, ये जून में भी और दिसंबर में भी इसका सेम टेम्परेचर रहता है और अभी नवंबर में भी जी सेम है बिल्कुल। और ये बेसिकली ये स्किन डिजीज के लिए है और यहाँ बेशुमार लोग बड़े दूर दूर से और फैजियाब होते हैं, जोड़ों के दर्द के, स्किन डिजीज के, दायमी नज़ला हो। और पहले तो ये होता था कि पार्टीशन से पहले, चूँकि इसकी हिस्ट्री ऐसी है कि कम पे 100, इसकी तारीख हमें मिलती है कि 100 साल से पहले भी ऐसा था। अच्छा, और किसी महाराजा जब ये मौजूदा कश्मीर था तो महाराजा आया टूर पर, तो किसी ने बताया जी इधर कोई लोग जो है ना वो झाड़ियों में बैठे हुए हैं, कोई रोशनी जा रही है, तो चूँकि उस वक्त वो थोड़ा सा एहसास उनका मामला मारे थे के था, उसे बंदे भेजे, देखा, उन्होंने कहा जी गरीब गुरबे हैं, यहाँ कोई चश्मा है गर्म तो वो लोग जो है ना भाप ले रहे हैं। तो उसका फिर उन्होंने ये सराय बनवाई 1935। अच्छा। में सराय बनी। अच्छा, है ये वाली सामने। अच्छा ठीक। और लोगों के लिए कि लोग आए और यहाँ भाप लें और इसमें ठहरें। उसके बाद जो पाकिस्तान जब बना तो हमारी आर्मी इधर आ गई, फिर तो ये बड़ी पुरानी तारीख है। अच्छा, इसके ऊपर रिसर्च हुई है, रिसर्च हुई है, साइंटिस्ट 1996 में इस पर रिसर्च हुई है। और उस उन साइंटिस्ट जो आए उनका कहना ये है बेसिकली ये इसका बहुत बड़ा पीछे से बहुत बड़ा मंबा है इसका। अच्छा, और ये कमो पे यहाँ से 19 मील पीछे इसका बेस है बकौल उनके। अच्छा, और उन्होंने लोगों से क्वेश्चन किए, पीछे पहाड़ों पे गए, पीछे आबादी है बहुत बड़ी हमारी ये ताई मंडोल में, वो गए उन्होंने लोगों से क्वेश्चन किए ये सरसों कैसे कितनी मकदार में उगाई जाती। अच्छा। है क्योंकि हमारे लोग यहाँ बड़े ज़मीनें बहुत अच्छी हैं, काश्तकार हैं, सरसों उगाते हैं, लोगों ने कहा जी वाफर मकदार में। तो उनका कहना ये था कि ये बेसिकली लावा आज तक जो फटा नहीं है, एक तो ये रिवर पोच जो जा रहा है इसकी वजह, दूसरा सरसों की वजह से, तो शायद उसकी वजह से ये जो है ना नीचे ज़मीन में जो है ना इस तरह हो जाता है। ऐसा सोर्स कहीं पाकिस्तान में और भी है? नहीं, ये इस मकदार में नहीं है, कोयटा में है लेकिन कम है। और इसमें ये मैं आपको बताऊं, हमारा अपना जाती तजर्बा है कि स्किन की जिसको भी प्रॉब्लम हो, स्किन उखड़ती हो, ख़ारिश हो, ये इतना मुफीद है उसके लिए कि एक दो दफ़ा भाप लेने और बात लेने से ठीक हो जाता है बंदा। ये देखिए टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ा यहाँ सेटअप बनाया, ये स्ट्रीम का सेटअप बनाया, वो भी देखते हैं, ये हमारा स्पा रिजॉर्ट है, उसको भी जाके आपको दिखाते हैं। ये बताइएगा टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर? जी बेशुमार अल्हम्दुलिल्लाह, ये चूंकि सीजनल है सर्दियों में टूरिस्ट आते हैं। अभी भी आपने वो देखा झाड़ियाँ नीचे बिछा के, लाहौर की एक फैमिली आई हुई है, उनको ये जोड़ों का दर्द है, वो किसी ने बताया वो दो दिन से हमारे पास है, अल्हम्दुलिल्लाह वो कह रहे हैं कि हम बहुत बेहतर हो रहे हैं। अच्छा, और सर्दियों में जो है ना मेला लगा रहता है। डॉक्टर क्या कहते हैं इसके बारे? एक तो साइंटिस्ट की रिसर्च है, दूसरी मेडिकल साइंस क्या कह रही है इसके बारे में? सर जी मेडिकल उनका बिलीव है इसके ऊपर? मैं कह रहा हूँ कि बेशुमार डॉक्टर मैंने देखे हैं इधर, मेरे जानने वाले इतने डॉक्टर हैं। अच्छा, जो जिनको स्किन डिजीज, जिनको प्रॉब्लम थी तो वो इधर आके वो खुद जो है ना भाप लेते हैं ठीक हो गए। ये स्टोरी थी, ब्रेकिंग स्टोरी थी आपके लिए कि ये वाहिद कुदरत का एक सोर्स है। अल्लाह ताला ने इस पानी की में एक ऐसी फैसिलिटीज रखी है ह्यूमन बीइंग के लिए, फ़ायदे के लिए, कि जैसे मेडिकल साइंस आप देखिएगा कि वो उनका ज़्यादातर बिलीव नहीं होता चीज़ों के ऊपर, क्योंकि उन्होंने रिसर्च के ऊपर बेस्ड जो बुक में पढ़ना है, जो रिसर्च करनी है उसी के तहत चलना है। लेकिन बकौल इनके, क्योंकि ये ऑफिसर हैं यहाँ गवर्नमेंट के टूरिज़म के, कि इनके कि जिन डॉक्टरों को भी मसले होते हैं ख़ास करके स्किन के या जोड़ों के दर्द के, वो वहाँ यहाँ पर आके भाप लेते हैं। आप लोग भी आ सकते हैं, बारास्ता कोटली भी आ सकते हैं, और बारास्ता आप बलोच भी आ सकते हैं इस मकाम के ऊपर। यहाँ आपको दरए पूंछ भी मिलेगा, इसके भी आप नज़ारे कर सकते हैं, और स्ट्रीम का बकायदा यहाँ पर यहाँ के टूरिज़म डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यहाँ पर अरेंजमेंट किया हुआ है, वहाँ पर आप स्ट्रीम भी ले सकते हैं। अच्छा, दरए पूंछ के बारे में थोड़ा हमें बताइएगा। दरए पूंछ चूँकि मकबूजा कश्मीर पूंछ शहर के करीब इसका मंबा है, वहाँ से ये निकलता है, यहाँ से पीछे जो है ना ये कमो पेज जो है ना ये 26 किलोमीटर पीछे इसका है, तो ये आ रहा है, ये बहुत बड़ा दरिया है। दूसरा ये है कि ये बिल्कुल बॉर्डर एरिया है, सामने वो जो है ना वो इंडियन बॉर्डर है हमारा। अच्छा, ये साथ ही हमें एलओसी, 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 जहाँ पर लाइटिंग जल रही है। जी जी बिल्कुल एलओसी है वो,
तो बाद दफा जब अमन नहीं होता तो यहाँ फायरिंग भी होती है। ये थोड़ी सी हमारी मुश्किल है, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं। हर वक्त हमा वक्त जो है ना टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है ना यहाँ घोषणा है जी के टूरिस्ट के ज्यादा से ज्यादा। अभी चलते हैं स्ट्रीम, देखते हैं जी की स्ट्रीम में क्या क्या आपने वो दिखाते हैं आपको, और उसके बाद हम चेक करेंगे की अंडे, क्योंकि सर्दी या ठंड लग रही है, और उसके बाद अंडे डाले हुए देख रहे हैं, अंडे भी बॉयल हो रहे हैं। हाँ, अंडे भी बॉयल हो रहे हैं, उनको भी देखेंगे कि कितना पक सकते हैं। स्ट्रीम लूंगा तकरीबन मैं 10 मिनट, और उस स्ट्रीम के बाद मुझे फिर गुसल भी करना पड़ेगा, और उसके बाद मुझे बताया गया है कि आप अपने आप को हल्का फुल्का फील करेंगे, महसूस करेंगे, कावड़ भी आपकी दूर होगी, क्योंकि पहाड़ी इलाकों को कवर करते हुए हम आ रहे हैं यहाँ पर, तो कुदरत का ये एक करिश्मा है, इस करिश्मे को देखते हैं हम। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हम दरियाए पूंछ में हैं, और रात का समा है, और दूर दराज तक ये लाइटें भी नज़र आ रही हैं, और तकरीबन LOC यहाँ पर जो है लाइन ऑफ कंट्रोल वो तकरीबन 2.5 किलोमीटर है, और हमारे साथ यहाँ पर एक मकामी बच्चा है, ये भी जो मकबूजा कश्मीर की आज़ादी है उसके लिए बहुत पुरजोश है, और इसने कहा है जी कि उस पार बॉर्डर के उस पार जो हमारे भाई हैं उनको मैं नजराना पेश करना चाह रहा हूँ शायरी की शक्ल में, और ये एक मिली नगमा पेश करेगा, और अपने एक अदारे यकजहती का जो मैसेज है बॉर्डर का पार भी देगा, क्योंकि डिस्कवर पाकिस्तान की नशरियात आप पाकिस्तान के दुनिया भर में देख रहे हैं सेटेलाइट टीवी चैनल के थ्रू भी और सोशल मीडिया के भी थ्रू भी। जी अपना नाम बताइएगा। जी मेरा नाम आमिर मुश्ताक है। तो जो मेरी नगमा मैं आपको सुनाने लगा हूँ वो दो जुबानों में मुश्तमिल है। जी जी, तो मैं आपकी नज़र पेश करता हूँ। प्लीज करियो मंजर जिगरा जाहे चमनोस माहे मशानी भुलाऊं कैसे मनाज़िर तेरी बहारों के मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन सितम शार उसे तुझको छुड़ाएंगे एक दिन मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन सितम शार उसे तुझको छुड़ाएंगे एक दिन करियो मंजर जिगरा जाए चमनोस माए मशानी भुलाऊं कैसे मनाज़िर तेरी बहारों के मेरे वतन शुगुफ्तगियों गुलो नस्तरन नहीं भूले शुगुफ्तगियों गुलो नस्तरन नहीं भूले हसीन फूलों की वो अंजुमन नहीं भूले हसीन फूलों की वो अंजुमन नहीं भूले तेरी बहारों में फिर मुस्कुराएंगे एक दिन मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन करियो मंजर जिगरा जाए चमनोस माए मशानी बुलाऊं कैसे मनाज़िर तेरी बहारों के मेरे वतन। थैंक यू वेरी मच जी। जैसे इन्होंने कहा कि मेरे वतन तेरी जन्नत में एक दिन हम आएंगे, क्योंकि अभी वो सुलगती जन्नत है, और इंशाल्लाह वो जन्नत नज़ीर भी बनेगी, और बहुत जल्द हमारे जो मकबूजा है कश्मीर के भाई हैं उनको आज़ादी भी नसीब होगी, और ये जो फैमिलीज हैं आर पार LOC के वो फिर यकजा हो गए। ज़ाहिर है कि जैसे हमने आपको आवाज़ भी सुनाई कि इन्होंने कहा है हमें पाकिस्तानी और पाकिस्तान हमारा है, और ये सदा
बॉर्डर के दूसरी तरफ भी बुलंद हो रही है और यहाँ से भी बुलंद हो रही है और हुकूमत पाकिस्तान की सफारती महाज पर लड़ाई भी जारी है। हम पुरउम्मीद हैं कि आज़ादी उनको नसीब होगी। तो जी नाज़रीन, प्रोग्राम में हमने फोकस किया गाजियों को, गाजियों के मज़ारात को जिनको सितारे जोरों से नवाजा गया, ख़ास करके कर्नल मंशा जिनका बहुत ही अहम रोल रहा है उस वक्त की वार में, और इंडियन गवर्नमेंट ने उनके सर की उस वक्त जो कीमत रखी थी वो 10 लाख थी, लेकिन उन्होंने एक मंशा फोर्स के नाम से उनकी एक स्ट्रगल थी जिसमें बेशुमार यहाँ आज़ाद हाय रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने उस वक्त उसमें पार्टिसिपेट किया। फिर हम आपको हीरो के मज़ार के ऊपर लेके गए। क्या ग्रेट बंदा था कि जो 40 साल तक जुल्म सितम सहता रहा इंडियन फोर्सेस के इंडिया की जेल में, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता रहा। जब उसकी ज़बान काट दी गई तो अपने खून से पाकिस्तान जिंदाबाद उसने दीवारों के ऊपर लिखना शुरू किया, और जब उसको 40 साल के बाद रिलीज़ किया गया वहाँ से, तो वाघा बॉर्डर पर आके अपना पेंटी नंबर बताया कि मैं वो सिपाही हूँ जिसने इतना जुल्म और सितम बर्दाश्त किया, लेकिन मैं वापस आ चुका हूँ। ये हमारे हीरो थे और ये स्ट्रगल थी आज़ादी की जो अभी तक यहाँ पर जारी और सारी है। इसके अलावा टूरिज़्म पॉइंट के ऊपर भी हमने आपका विज़िट कराया, ख़ास करके आपको हम तत्ता पानी लेके गए। आप लोग भी अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ, बारास्ता कोटली भी आ सकते हैं, बारास्ता बलोच भी और मुजफ़राबाद वाली साइड पर भी आ सकते हैं। बहुत अच्छा उसको वहाँ की जो आज़ाद जम्मू कश्मीर टूरिज़्म डिपार्टमेंट है उन्होंने उसको डेवलपमेंट भी किया है, वहाँ पर होटल भी मौजूद है, रिहाइश का भी है अच्छा खासा, और ख़ास करके स्ट्रीम का भी वहाँ पर अरेंजमेंट किया गया और कहा गया है कि उस पानी में बेशुमार शफा है। इसी के साथ ही शाह नसीर अब्बासी को यहाँ बलोच की सरजमीन जो शहीदों गाजियों और हुर्रियत पसंदों की है, इसे इजाज़त दीजिए और इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे हमारे जो मकबूजा कश्मीर के भाई हैं उनको जल्द अज जल्द आज़ादी मिले, हमें यहाँ से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।